राम राम भाइयों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। अगर आप भारतीय सेना में जाके देश की सेवा करने में इच्छुक हो तो आप सभी के लिए सुनहरा मौका आ चुका है। दोस्तों, राजपूत रेजिमेंट सेंटर फतेहगढ़ में आपके लिए रिलेशन भर्ती निकल के आ चुकी है। 2 दिसंबर से आपकी दौड़ शुरू होने वाली है। पूरे भारत के सभी राज्यों के लिए यहाँ पर रिलेशन भर्ती निकल के आ चुकी है। कौन कौन सी पोस्ट पर आपकी भर्ती होगी और कौन कौन से भर्ती में जा पाएगा, अगर आप यह पूरी जानकारी जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा अंत देखें। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। अगर आपने वीडियो को लाइक किया तो वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, राजपूत रेजिमेंट सेंटर में आपके लिए रिलेशन भर्ती निकल के आ चुकी है। 2 दिसंबर से आपकी यहाँ पे दौड़ शुरू होने वाली। 2 दिसंबर से लेकर दोस्तों 7 दिसंबर तक आपकी भर्ती रैली चलने वाली। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों आपकी पोस्ट की, जो आपको पोस्ट यहाँ पे मिलने वाली है जनरल ड्यूटी की, और आपको ट्रेडमैन की ही पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। ठीक है, जनरल ड्यूटी के लिए दोस्तों पूरे भारत के सभी कैंडिडेट्स भर्ती में जा पाएंगे। 2 दिसंबर को जो आपकी रैली होने वाली दोस्तों, 2 दिसंबर को जो आपकी रैली उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की आपकी यहाँ पे भर्ती होने वाली है। जनरल ड्यूटी के लिए आपकी यहाँ पे भर्ती होगी। ठीक है, और आगे बात करें दोस्तों 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर को राजस्थान के सभी कैंडिडेटों की यहाँ पे भर्ती होगी। राजपूत रेजिमेंट सेंटर, जो भाई जिस भाई का राजपूत रेजिमेंट सेंटर का रिलेशन बना हुआ है वही कैंडिडेट भर्ती में जा पाएगा। 2 दिसंबर को उत्तर प्रदेश की होने वाली है, 3 दिसंबर की राजस्थान की होने वाली, और 4 दिसंबर की बात करें दोस्तों उत्तराखंड, MP, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, इन सभी की आपकी जो भर्ती है वो दोस्तों वो 4 दिसंबर को आपकी भर्ती रैली चलने वाली होनी राजपूत रेजिमेंट सेंटर वालों के लिए। ठीक है, और आगे बात करें दोस्तों 4 दिसंबर की, 4 दिसंबर को जो आपकी रैली होने वाली दोस्तों, आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे स्पोर्ट्समैन के। ठीक है, स्पोर्ट्समैन की जो आपकी रैली है दोस्तों, अब की बार आपको स्पोर्ट्समैन की भी रैली अब की बार देखने को मिलने वाली है। और 5 दिसंबर की बात करें दोस्तों, ठीक है, और आगे 6 दिसंबर की बात करें दोस्तों, ऑल इंडिया कास्ट ए, ये कास्ट आपकी बताई गई है, इसकी जो आपकी भर्ती रैली होने वाली दोस्तों स्पोर्ट्समैन की, ट्रेडमैन की पोस्ट की पद पर आपकी भर्ती होगी दोस्तों। ठीक है, और आगे स्पोर्ट्समैन का जो ट्रेल होगा दोस्तों आपका 7 दिसंबर को आपका स्पोर्ट्समैन का ट्रेल होने वाला है। और मेडिकल की बात करें दोस्तों आपका, यानी कि मेडिकल होगा आपका 3 दिसंबर को आपका, यानी कि 3 दिसंबर से आपका मेडिकल शुरू होने वाला है। और जो आपके एडमिट कार्ड इशू की बात करें दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए, वो 26 फरवरी 2021 का आपका जो एडमिट कार्ड इशू हो गया दोस्तों, जो आपका रिटर्न एग्ज़ाम लीजिएगा वो 28 फरवरी 2021 को आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, और आपसे बता दूँ दोस्तों, जिन भाइयों का 2 दिसंबर को आपका फिजिकल होगा उनका 3 दिसंबर को मेडिकल, जिन भाइयों का 3 दिसंबर का फिजिकल होगा उनका 4 दिसंबर को मेडिकल होगा। इसी प्रकार दोस्तों जो आपकी रैली है वो कराई जाएगी। आपकी एज कट ऑफ की बात करें दोस्तों, जनरल ड्यूटी के लिए 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अक्टूबर 2002 के बीच में अगर आपकी एज बनती है तो आप जनरल ड्यूटी के लिए यहाँ पर जा सकते हो। और ट्रेडमैन की पोस्ट की बात करें 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 1 अक्टूबर 2002 के बीच में अगर आपकी एज बनती है तो दोस्तों आप इस भर्ती के लिए जा पाओगे। ठीक है, और इस भर्ती में दोस्तों जो रिलेशन कैंडिडेट उसके पास क्या क्या होना चाहिए दोस्तों, रिलेशन का सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड का फार्म होना चाहिए, आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड। ठीक है, अगर आपके पास या आप नेशनल या फिर इंटरनेशनल किसी भी लेवल का आप सभी खिलाड़ी खेल रहे हो या कोई भी गेम का आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है तो आप इस भर्ती में दिखा सकते हो। और आप सबसे पहले बता दूँ दोस्तों, आपके पास कोरोना की रिपोर्ट भी होनी चाहिए, और 26 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर के बीच की जो आपकी रिपोर्ट है दोस्तों वो होनी चाहिए। अगर आपके पास 26 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर के बीच की अगर आपके पास रिपोर्ट होगी तो आप इस भर्ती में जा पाओगे। आपके पास मास्क भी दोस्तों जरूरी होना चाहिए, अगर आपके पास मास्क नहीं होगा तो आप सभी को इस भर्ती में कोई एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, आप सभी ने सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इस भर्ती में लेके जाने हैं। पूरे भारत के सभी राज्यों के लिए आपकी भर्ती निकल के आ चुके हैं। 2 दिसंबर से लेकर दोस्तों 7 दिसंबर तक आपकी भर्ती रैली चलनी है राजपूत रेजिमेंट सेंटर फतेहगढ़ UP में आपकी दोस्तों भर्ती होने वाली है। बस आज की वीडियो में इतना ही। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।